मैं यहां आया आपसे कुछ बातें कहने के लिए और कुछ गंभीर बातें कहना चाहता हूं। हालांकि इस देश में अब परंपरा टूट गई है गंभीर व्याख्यानों की, गंभीर भाषणों की। आजकल इस देश में जिस तरह के भाषण होते हैं वो भाषण मुझे लगता नहीं कि इस देश को कोई दिशा दे पा रहे। गंभीर बातें होती नहीं है, ना समाज में हो रही हैं, ना पार्लियामेंट के अंदर हो रही हैं। जिनको देश की दिशा देनी चाहिए वो दिशाहीन हो गए हैं। तो दिशाहीन लोग कभी समाज को दिशा नहीं दे पाते। मेरे जैसे आदमी को इस काम में लगना पड़ा, ये मैं बहुत खुशी से नहीं लगा हूं। देश की परिस्थितियां, देश के हालात, बढ़ते हुए इस देश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, बढ़ती हुई गुलामी, टूटता हुआ समाज, शक्तिहीन होता हुआ समाज, बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी, ये तमाम बड़े कारण हैं जिन्होंने मेरे जैसे नौजवान को बहुत अंदर से परेशान किया है। और उस परेशानी में ही मैं इस काम में लगा हूं। मेरे सोचने का ढंग थोड़ा फर्क है। किसी भी समस्या के बारे में मैं जब विचार करता हूं तो थोड़ा गहरे जाता हूं उस समस्या में। उसका शायद एक कारण यह भी हो सकता है कि मैं विज्ञान और तकनीकी का विद्यार्थी रहा और आज भी हूं। तो विज्ञान और तकनीकी का विद्यार्थी होने के नाते किसी भी समस्या की समाधान तलाशने के लिए उसके जब तक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को समझ नहीं लेता तब तक मुझे वो समस्या समझ में नहीं आती। इस देश में वर्तमान में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को भी मैंने वैसे ही समझने की कोशिश की है। और इस देश की परेशानियों को समझने के लिए पिछले कुछ वर्षों में मैंने लगभग 20,000 से ज्यादा दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, लंदन के ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, दुनिया के तमाम दूसरे देशों की लाइब्रेरीज और आर्काइव्स से निकाले गए डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हिंदुस्तान की आर्काइव्स से निकाले हैं मैंने, और उनके आधार पर जो मेरी समझ बनी है वही आपसे शेयर करने आया हूं। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। और विनम्रता से यही कह रहा हूं कि अगर आपको कहीं गलत लगे तो आप जरूर मुझे सुधारने की कोशिश करें। यह एक बड़ा अभियान है, देश का काम है जिसमें मैं लगा हुआ हूं, और अगर मुझसे गलती होगी तो सारे देश को उसका नुकसान सहन करना पड़ेगा। तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी गलतियों को सुधारें। देश आजाद हो गया है और आजादी के 50 साल पूरे हो गए। सारे देश में राजनीतिक स्तर पर एक जश्न जैसा माहौल है, हालांकि उसकी आत्मा मरी हुई है। और माहौल इस तरह का है कि हम तो आजाद हो गए हैं, 50 साल पूरे हो गए हैं, ये देश गणतंत्र हो गया है। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी उस दिन 15 अगस्त माने 14 अगस्त की रात 1997 को आपने जो कुछ देखा वो देखा ही होगा, आजादी का एक बड़ा मेला सा मनाया गया। इस देश में आजादी के जश्न मनाने की भी कुछ ऐसी परंपराएं पड़ रही हैं, जैसे उदाहरण के लिए इस देश में आजादी का जश्न मनाने के लिए अमेरिका से एक संगीतज्ञ आ गया था यानी, तो हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाने के लिए अमेरिका से संगीतकार बुलाया जाता है, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। उस यानी को हिंदुस्तान की आजादी के बारे में क्या समझ है और कितनी समझ है, और साथ ही साथ उस यानी को संगीत की कितनी समझ है जो मेरे देश में चलता है और बजाया जाता है। फिर एक दिन मैंने सुना, अखबारों में पढ़ा कि हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाने के लिए अमेरिका की एक नाटक कंपनी आई, उसका नाम था पॉल टेलर की कंपनी। तो पॉल टेलर की कंपनी हिंदुस्तान के 10-12 शहरों में नाटक करती थी, और पॉल टेलर जो है उस नाटक के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी और उसने क्या क्या किया था। वो कोशिश करते थे हिंदुस्तान की आजादी का इतिहास बताने, लेकिन उसी दृष्टि से कोशिश करते थे जैसे अमेरिका वाले
हिंदुस्तान को देखते हैं, भारत को देखते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान की आजादी के जश्न के जितने कार्यक्रम हो रहे हैं वो सब विदेशी कंपनियों द्वारा स्पॉन्सर हो रहे हैं। माने जिन विदेशी कंपनियों के कारण इस देश की आजादी चली गई थी, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के कारण इस देश की आजादी चली गई थी, अभी उन्हीं देशों की कंपनियों को हमारे देश की आजादी से इतना प्यार कैसे हो गया। टेलीविजन पर रात दिन विज्ञापन आप देखिए तो जितने विज्ञापन हिंदुस्तान की आजादी के कार्यक्रम के आते हैं वो सब विदेशी कंपनियों द्वारा प्रायोजित किए हुए होते हैं। तो ये कुछ विद्रूपताएं हैं, ये कुछ विडंबनाएं हैं इस देश की। और इसी विडंबना के बीच मैं मेरी बात आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आजादी के 50 साल पूरे हुए हैं, हम कहां आ गए हैं और हुआ क्या है पिछले 50 साल में। पिछले 50 साल में जो कुछ इस देश में हुआ है उसको अगर ठीक से समझना हो मेरे जैसे विद्यार्थी के लिए, तो मैं हिंदुस्तान के पिछले 500 साल को भी समझना चाहता हूं कि पिछले 500 साल इस देश में क्या हुआ है। और पिछले 500 साल इस देश में जो कुछ हुआ है अगर वो समझ में आ जाएगा तो अभी जो कुछ चल रहा है वो भी आपके समझ में आ जाएगा। और मैं मेरी बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि इस देश में कोई आजादी आई नहीं है और इस पर ताली बजाने की जरूरत नहीं है। यह मेरे दिल का दर्द है। इस देश में कोई आजादी आई नहीं है। यह देश अभी भी उतना ही गुलाम है जितना कि अंग्रेजों के जमाने में था। और कई बार मैं इस बात को एक कदम आगे जाके कहता हूं कि यह देश इस समय अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा गुलाम है। देश की व्यवस्थाएं अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा गुलाम है। तो प्लानिंग के तीन चरण निर्धारित किए गए हैं। पहला चरण यह है, सबसे पहले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खलास किया जाए। और जो बात चल रही है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में वो बात यह चल रही है कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को कॉलेप्स करा दिया जाए। और इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम जब कॉलेप्स हो जाएगा तो हिंदुस्तान के व्यापारी, हिंदुस्तान के उद्योगपति, हिंदुस्तान के पूंजीपति सब खलास हो जाएंगे। और ये व्यापारी, पूंजीपति और उद्योगपति अगर खलास हो जाएंगे हिंदुस्तान में तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी का माल हिंदुस्तान के गांव गांव में बिकने लगेगा। और इस डिबेट को चलाते हुए बिल्वरफोर्स कह क्या रहा है, एक मजेदार बात आज आप देख रहे हैं जो चल रहा है उसका कंपैरिजन मैं कर रहा हूं। बिल्वरफोर्स कह रहा है कि हमको हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड करना है। तो एक एमपी पूछता है उससे, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड? तो बिल्वरफोर्स कह रहा है कि फ्री ट्रेड का माने ब्रिटिश गुड्स का हिंदुस्तान के गांव गांव में बिकना। ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटेन के माल का हिंदुस्तान के बाजारों में भर जाना और ब्रिटिश के माल का, ब्रिटेन के माल का हिंदुस्तानी लोगों द्वारा ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करना, उपभोग करना, ये है फ्री ट्रेड। इसके सेकंड पार्ट में एक बात और कह रहा है बिल्वरफोर्स फ्री ट्रेड की व्याख्या करते हुए। सेकंड पार्ट में यह कह रहा है कि यह जो फ्री ट्रेड चलेगा इसमें एक चीज और होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है जो इंग्लैंड में नहीं है। जैसे कॉटन का रॉ मटेरियल है, स्टील के ओर्स हैं इस देश में, आयरन ओर बहुत अच्छा है, और भी तमाम तरह के रॉ मटेरियल हैं। तो वो कह रहा है कि कुछ इस तरह का फ्री ट्रेड चलना चाहिए कि जिससे हिंदुस्तान का सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन में आना शुरू हो जाए और उस रॉ मटेरियल के लिए हमको एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़े और उस रॉ मटेरियल से हम फिनिश प्रोडक्ट बनाएं और वापस इंडियन मार्केट में ले जाकर बेचें। तो जब ये डिबेट कंक्लूड हो रही है तो उस डिबेट को इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही है। और वो पॉलिसीज क्या बन रही है? पहली पॉलिसी बनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर इशू किया गया है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई है तो 20-20 साल के चार्टर उसको दिए जाते। पहला चार्टर 1601 में मिला है, फिर दूसरा चार्टर 1621 में मिलता है, फिर इस तरह से 20-20 साल से चार्टर दिए जाते हैं। चार्टर माने अधिकार पत्र।
तो इस तरह से 1813 की ये डिबेट जब कंक्लूड हो गई है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक स्पेशल चार्टर इशू किया गया है हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह से, और उस तरफ से, और चार्टर का नाम है चार्टर फॉर फ्री ट्रेड। और मैं जोर दे रहा हूं इस फ्री ट्रेड शब्द पर कि ये जो फ्री ट्रेड शब्द है ये कोई नया नहीं है, ये 250-300 साल पुराना शब्द है। आज जो कुछ आप अखबारों में पढ़ते हैं सुनते हैं कि इस देश में लिबरलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, किस लिए हो रहा है? फ्री ट्रेड के लिए हो रहा है। तो ये फ्री ट्रेड तो इस देश में अंग्रेजों ने भी चलाया है। और अंग्रेज इस देश में फ्री ट्रेड क्यों चला रहे हैं? इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद करना है और ब्रिटिश इकोनॉमिक सिस्टम को इस देश में स्थापित करना है, इसके लिए वो फ्री ट्रेड चला रहे हैं। तो उस फ्री ट्रेड में पॉलिसीज क्या बन रही हैं? जो सबसे पहली पॉलिसी बनी है कंपनी सरकार की, 1813 में इस देश में कंपनी की सरकार, ब्रिटेन की सरकार नहीं, ब्रिटेन की सरकार आई है 1858 के बाद, रानी की सरकार सीधे 1858 के बाद आई है, उसके पहले कंपनी की सरकार है, माने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार जो है वो पॉलिसी क्या बना रही है? फ्री ट्रेड का चार्टर आ गया है और उसके आधार पर जो सबसे पहली पॉलिसी बनाई जा रही है वो पॉलिसी क्या है? ब्रिटिश माल पर हिंदुस्तान में कोई टैक्स नहीं लगेगा, और उसके बदले में जो हिंदुस्तानी माल होगा उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए। नतीजा क्या निकलेगा? अगर ब्रिटिश माल इस देश में टैक्स फ्री हो जाएगा तो गांव गांव में ब्रिटिश माल सस्ता हो जाएगा, और हिंदुस्तानी माल पर लगातार टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो हिंदुस्तानी माल महंगा हो जाएगा। तो स्वदेशी माल महंगा हो जाएगा और विदेशी माल सस्ता हो जाएगा, इसके लिए पॉलिसी बनाई है कंपनी सरकार ने, जिसको कहा गया है चार्टर फॉर फ्री ट्रेड, और उसके तहत इस देश में अंग्रेज कुछ कानून बना रहे हैं। कानून क्या बना रहे हैं? ब्रिटेन के माल पर तो टैक्स हटा दिया पूरी तरह से, और कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी ब्रिटेन के माल पर, और हिंदुस्तानी माल बनाने वाले लोगों पर सबसे पहला टैक्स लगाया गया, सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट टैक्स। और ये अंग्रेजों ने क्यों लगाया है सेंट्रल एक्साइज टैक्स? ताकि हिंदुस्तान में माल बनाने वाले लोगों का माल महंगा हो जाए, तो सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगा दिया। माने जो वस्तुएं बन रही हैं उस पर उत्पाद कर, वस्तुओं के उत्पादन पर कर। उसके बाद हिंदुस्तानी व्यापारी उन वस्तुओं को बाजार में बेच रहे हैं, तो कंपनी सरकार ने वस्तुओं के बाजार में बेचने पर भी कर लगाया है, जिसको अंग्रेजों ने कहा है सेल्स टैक्स। फिर तीसरा कर कि वस्तुओं के उत्पादन पर कर, वस्तुओं के बाजार में बिकने पर कर, और उन वस्तुओं के बिकने से जो आमदनी आ रही है उस पर भी टैक्स, और उसका नाम अंग्रेजों ने रखा है इनकम टैक्स। तो उत्पादन पे सेंट्रल एक्साइज, बिक्री पर सेल्स टैक्स, बिक्री से होने वाली आमदनी पर इनकम टैक्स। उसके बाद वस्तुओं का आवागमन जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, उस पर अंग्रेजों ने एक टैक्स लगाया है जिसका नाम है ऑक्ट्रॉय टैक्स, चुंगी नाका। और उसके बाद एक आखिरी टैक्स और लगाया अंग्रेजों ने। अंग्रेजी सरकार क्या करती थी, सॉरी कंपनी सरकार क्या करती थी कि कहीं कहीं पुल बनाती थी, तो पुल पर से माल लेके जब ट्रक गुजर रहा है तो आपको पुल का कर देना है, क्योंकि हमारी सड़क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने नाम दिया टोल टैक्स। तो कितने टैक्स लगा दिए अंग्रेजों ने? वस्तुओं के उत्पादन पर सेंट्रल एक्साइज, वस्तुओं की बिक्री पर सेल्स टैक्स, उसके बाद इनकम पर इनकम टैक्स, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको टोल टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स। और ये पांचों टैक्स अंग्रेज लगा रहे हैं इस देश के उद्योगपतियों पर, ताकि इस देश के उद्योगपतियों का नाश किया जाए। और इसके बदले में जितना भी ब्रिटेन से माल आ रहा है इस देश में, उस पर से सारे टैक्स हटा लिए गए हैं, क्योंकि ब्रिटेन का माल इस देश के गांव गांव में उनको बेचना है। नतीजे क्या निकलते हैं? जब ये पांचों के पांचों टैक्स लग जाते हैं, और उस जमाने की बात कर रहा हूं आज से लगभग 200 साल पहले की, 1844-1850 में, सॉरी 150 साल पहले की, उस समय मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि अंग्रेजी सरकार ने कुल कितना टैक्स लगा दिया हिंदुस्तान के व्यापारियों पर, तो पता चल रहा है कि हर 100 रुपए के व्यापार पर
127 रुपए का टैक्स है। और इस बात की गंभीरता को समझिए कि हर 100 रुपए के व्यापार पर 127 रुपए का टैक्स है। तो एक दिन हाउस ऑफ कॉमन्स में डिबेट चल रही है और एक एमपी कह रहा है कि हिंदुस्तान के व्यापारियों पर इतना टैक्स लगा दिया है, ये सब मर जाएंगे। तो दूसरा एमपी जवाब दे रहा है कि यही हमें करना है। एक दूसरा एमपी खड़ा हो जाता है तो वो कहता है कि दोनों हाथ में लड्डू हैं हमारे, या तो हिंदुस्तानी व्यापारी मर जाएंगे, माने 100 रुपए पर अगर 127 रुपए टैक्स देना पड़ जाए तो या तो वो आदमी मर जाएगा और या वो बेईमान हो जाएगा, और अगर वो बेईमान हो जाएगा तो भी हमारे गुलामी में आ जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, तब तो हमारी गुलामी में आने ही वाला है। अब आप ध्यान करिए इन दो बातों को कि इस देश में टैक्सेशन का सिस्टम क्यों लाया जा रहा है, ताकि हिंदुस्तान के व्यापारियों को, पूंजीपतियों को, काम करने वालों को, उत्पादकों को बेईमान बनाया जाए या फिर उनको खलास कर दिया जाए। ईमानदारी से काम करें तो खलास हो जाए, और बेईमानी से काम करें तो टैक्स की चोरी करें, और टैक्स की चोरी करें तो हमेशा ब्रिटिश सरकार के अधीन रहें, क्योंकि चोरी करने वाला आदमी कभी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। और इसके लिए फिर उन्होंने डिपार्टमेंट्स बना दिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, टोल टैक्स वाला डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स वाला डिपार्टमेंट, ऑक्ट्रॉय वाला डिपार्टमेंट। और आपको मैं बताऊं कि ये पांचों के पांचों डिपार्टमेंट आज आजादी के 50 साल में भी चल रहे। अंग्रेजों ने इन डिपार्टमेंट्स को बनाया था हिंदुस्तान के व्यापारियों का सत्यानाश करने के लिए। तो मुझे लगता था कि जब 1947 में इस देश में आजादी आई तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ये पांचों डिपार्टमेंट्स बंद कर देने चाहिए थे, लेकिन वो आज भी चल रहे। और उसी दौर की एक जानकारी और दूं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले जब इनकम टैक्स लगाया तो उसकी रेट क्या है, कितना इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो अंग्रेजों का जो सबसे पहला इनकम टैक्स का रेट है वो 97% का है, माने 100 रुपए की इनकम है तो 97 रुपए का टैक्स आपको देना पड़ेगा, माने सिर्फ 3 रुपया आपको मिलेगा। और आपको शायद ये मालूम होगा, कुछ बुजुर्ग यहां बैठे होंगे इस सभा में, आजादी के 1947 के बाद कम से कम 20-25 साल तक इनकम टैक्स इस देश में 97% लगता रहा है। आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, 1970-72 तक 97% ही इनकम टैक्स लगता रहा इस देश में, जबकि आजादी आ गई थी 1947 में। तो मेरा सबसे पहला और गंभीर प्रश्न यह है कि जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर अंग्रेजों ने बनाया, वही टैक्सेशन का स्ट्रक्चर इस समय देश में चल रहा है। अंग्रेजों ने क्यों बनाया? हिंदुस्तानी व्यापारियों को बर्बाद करने के लिए, और हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हुए। 1835-1840 में इस देश की क्या स्थिति है व्यापार के क्षेत्र में, उसका एक आंकड़ा है, और ये आंकड़ा स्टैटिस्टिक्स ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की डिबेट से मैंने निकाला। हाउस ऑफ कॉमन्स की डिबेट चल रही है तो एक एमपी कह रहा है कि हिंदुस्तान का व्यापार है कितना पूरी दुनिया में, तो एक सर्वे किया है, और वो सर्वे किया है कई यहां के रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं जो ब्रिटेन की सरकार के यहां पर पोस्टेड हैं, और उनका एक हेड है, हेड ऑफिसर जिसका नाम है विलियम एडम। तो विलियम एडम कई रेवेन्यू कलेक्शन के ऑफिसर्स को लगाता है सर्वे के काम में, पता लगाओ कि हिंदुस्तान का टोटल ट्रेड कितना। तो उसका आंकड़ा है 1835-1840 के आसपास, और ये 1850 तक भी चलता रहा है, 1850 के आसपास तक हमारा टोटल ट्रेड सारी दुनिया के ट्रेड का 1/3 है, माने पूरी दुनिया में अगर उस जमाने में 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड चल रहा हो तो 33 बिलियन डॉलर का ट्रेड अकेले हिंदुस्तान का है। इसको एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि आज से 150 साल पहले इस देश का कुल व्यापार सारी दुनिया के व्यापार का 33% है। और इस बात को एक तीसरे तरीके से ऐसे भी कहा जा सकता है कि 1850 के आसपास तक दुनिया में जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है उस एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान का प्रतिशत 33% है, और आज आजादी के 50 साल के बाद हिंदुस्तान का हिस्सा टोटल वर्ल्ड मार्केट में कितना है जानते? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिगर्स हैं, ये मेरे नहीं,
लास्ट ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये बता रही है कि टोटल वर्ल्ड ट्रेड में हिंदुस्तान का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, 0.01%। हम जब गुलाम हैं अंग्रेजों के और अंग्रेज इस देश का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं और 150 साल पहले की ये बातें हैं, तब इस देश में कोई हाईटेक नहीं है, तथाकथित हाईटेक नहीं। हाईटेक तो है लेकिन ये जो सो कॉल्ड हाईटेक है वो नहीं है। इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर भी मेगा स्ट्रक्चर नहीं है, माने मेगा प्रोजेक्ट्स इस देश में नहीं है। तब हमारा टोटल वर्ल्ड मार्केट में कॉन्ट्रीब्यूशन 33% है और आज इस देश में लाखों लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद, 244 नेशनल पब्लिक सेक्टर के होने के बाद, इतनी विदेशी कंपनियों को बुलाने के बाद, हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े घराने होने के बाद, इतनी हाईटेक लेने के बाद, टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना है, 0.01%। तो हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं या विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो मैं मानता था कि तरक्की होती अगर 33% वाला ट्रेड हमारा 50% हो गया होता, 70% हो गया होता, तो मानता कि हिंदुस्तान ने तरक्की कर ली है। लेकिन यह तो घटके 0.01% पे आ गया, तो हम तरक्की कर रहे हैं या कहीं पीछे की तरफ जा रहे हैं? और इसी के साथ याद आ गई एक बात, तो बता रहा हूं, विलियम एडम ने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य हैं जो आप सुनेंगे तो चकरा जाएंगे। विलियम एडम अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि 1835-1840 के आसपास हिंदुस्तान में स्टील बनाने वाली 10,000 फैक्ट्रियां हैं, आज से 150 साल पहले। और वो जो 10,000 स्टील बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनमें जो स्टील बनता है 1850 के आसपास, वो स्टील इस क्वालिटी का है कि आप उसको वर्षों वर्षों तक पानी में पड़ा रहने दीजिए, उस पर जंग नहीं लग सकता। वो मेहरौली का खंभा सैकड़ों साल से खड़ा हुआ है, उस पर 1% भी कहीं जंग नहीं है। और आज आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनने वाले किसी भी स्टील को आप अपने आंगन में फेंक दीजिए, 3 महीने बारिश में उसको पड़ा रहने दीजिए, मैं चैलेंज से कहता हूं उस पर जंग लग जाएगा। 150 साल पहले स्टील बन रहा है इस देश में तो उस पर 1% का जंग नहीं लगता, वर्षों वर्षों तक ऐसे ही है। और 10,000 फैक्ट्रियां स्टील बना रही हैं और टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्टील कितना है उस जमाने में, यह सुनेंगे तो और आश्चर्य करेंगे। टोटल स्टील प्रोडक्शन है 1850 में हिंदुस्तान का एक साल का करीब करीब 80 से 90 लाख टन एक साल का। और आज जानते हैं कितना स्टील प्रोडक्शन है इस समय देश में? मुश्किल से 72 से 75 लाख टन। इतने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है, इतने बड़े बड़े सफेद हाथी हमने खड़े किए हुए हैं, तब स्टील प्रोडक्शन है 70 लाख टन के आसपास। और उस जमाने में 10,000 स्टील बनाने की फैक्ट्रियां हैं तो उनका स्टील प्रोडक्शन है करीब 80 से 90 लाख टन। और हिंदुस्तान 1850 में स्टील एक्सपोर्टिंग कंट्री रहा है। और ये दस्तावेज ब्रिटेन के पार्लियामेंट के हैं, जब एक MP कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने जहाज बनाए गए हैं वो सब हिंदुस्तान के स्टील को इंपोर्ट करके बनाए गए हैं। और उस जमाने में 1850 के आसपास सबसे बढ़िया जो स्टील बनता है वो हिंदुस्तान में बनता है या फिर एक दूसरा देश है डेनमार्क में बनता है। तो डेनिश स्टील जो माना जाता है वो इंडियन स्टील से उस जमाने में 19 है और इंडियन स्टील डेनिश स्टील से 21 है। और अगर 10,000 स्टील बनाने के कारखाने हैं और इतना बड़ा स्टील के उत्पादन का तंत्र है तो जरूर कोई ना कोई जबरदस्त हाईटेक रहा होगा इस देश में। ये एक अलग बात है कि हम उसको जानते नहीं क्योंकि अंग्रेजों ने वो दस्तावेज नष्ट कर दिए। और उन्हीं अंग्रेजों के दस्तावेजों के कुछ दूसरे हिस्से हैं जिनके आधार पर पता चला है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन होता था 1850 के आसपास सरगुजा में। सरगुजा मध्य प्रदेश का एक इलाका है। इस पूरे सरगुजा में स्टील बनाने के सबसे ज्यादा कारखाने रहे। और सरगुजा में स्टील बनाने के कारखाने क्यों रहे, तो ये बात सब जानते हैं कि सरगुजा में आयरन ओर सबसे ज्यादा है।
मध्य प्रदेश का जो इलाका है सरगुजा, उसमें आयरन ओर सबसे ज्यादा है, इसलिए उस जमाने में सबसे ज्यादा स्टील बनाने के कारखाने हैं। और स्टील बनाने का काम कौन करते हैं वहां? तो जिनको आप ट्राइबल्स पीपुल कहते हैं, वो उस जमाने के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर लोग हैं, जिनको हम मानते हैं कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि इनके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि इन्होंने बीटेक नहीं किया, क्योंकि इन्होंने एमटेक नहीं किया, क्योंकि इन्होंने पीएचडी नहीं किया। लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर हैं वो। और अभी भी सरगुजा के इलाके में, मैंने तो मेरी आंखों से देखा है, आज भी आजादी के 50 साल बाद भी कुछ लोग बचे हैं जो स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो टेक्नोलॉजी आगे तक पहुंच नहीं रही है। वो टेक्नोलॉजी खत्म कैसे हुई? अंग्रेजों ने ये हिंदुस्तान के स्टील बनाने वाले कारखाने बंद कराए। कैसे बंद हुए? अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया। कानून क्या था कि पहले जो स्टील बनाने वाले ट्राइबल्स होते थे, वो जंगलों में से जो खाने होती थी, खदानें होती थी, उनमें से स्टील का रॉ मटेरियल ले आते थे और स्टील बनाते थे उससे। अंग्रेजों ने क्या किया कि एक कानून बना दिया कि कोई भी ट्राइबल खदानों में से ओर नहीं निकाल सकता, और बाकायदा इसको सख्ती से लागू करा दिया। और फिर उन्होंने यह घोषणा कर दी कि खदानों में से अगर और कोई निकालेगा ट्राइबल, तो उसको 40 कोड़े मारने की सजा, और उससे पर भी वो ना मरे तो उसको गोली मार दी जाए। इतना सख्ती से वो कानून इस देश में लागू हो गया। तो धीरे धीरे आदिवासियों के स्टील के ओर लेने पर पाबंदी लगा दी गई, और धीरे धीरे वो खत्म होते चले गए, और क्रम के काल में वो करीब करीब समाप्त हो गए हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये कानून जो अंग्रेजों ने चलाया कि आदिवासी आयरन ओर नहीं ले सकते, वही कानून हिंदुस्तान में आज भी चल रहा है। और आज भी इस देश में जो टेक्नोलॉजी जानते हैं वो लोग आयरन ओर नहीं ले पाते, और उसके दूसरी तरफ क्या चल रहा है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां उन आयरन ओर्स को खोद खोद कर ले जा रही हैं। जापान की एक कंपनी है, उसका नाम है निप्पन डेरनो, वो इसी धंधे में लगी हुई है। तो जापान की कंपनी को तो हिंदुस्तान की खदानें खोद कर ले जाने की खुली छूट है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई आदिवासी उस खदान में से रॉ मटेरियल लाकर स्टील बनाए तो उस पर पाबंदी लगी हुई है, वो रॉ मटेरियल नहीं ले सकता। और मैं मान सकता हूं कि यह कानून अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेजों की सरकार थी, उनके अपने स्वार्थ थे, उनको यह देश बर्बाद करना था। मैं ये कैसे मान लूं कि आजादी के 50 साल के बाद भी वही कानून चल रहा? आज तो हमारी सरकार है, आज तो हमारे लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, अब तो हम मानते हैं कि यह देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया है। तो फिर वही कानून जो अंग्रेजों ने चलाया इस देश को बर्बाद करने के लिए, वो क्यों चल रहा है? और क्यों नहीं कोई राजनीतिक पार्टी इस सवाल पर सोचती कि विदेशी कंपनियां तो रॉ मटेरियल खोद खोद कर ले जा रही हैं। जापान की कंपनी निप्पन डेरनो जो रॉ मटेरियल ले जाती है वो कौड़ी के दाम में जाता है, और उससे स्टील बनाकर वापस इसी देश में लाकर बेचती है, और फिर दूसरी बार भी मुनाफा लेकर जाती है। यह धंधा तो अंग्रेजों के जमाने में चलता था, वो तो आज भी चल रहा। कैसे मैं मानूं कि यह देश आजाद हो गया? और इस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया है कि इस देश के तमाम हुनरमंद लोगों को बर्बाद। और आपने एक किस्सा और भी सुना होगा कि ये स्टील बनाने वाले लोगों को ऐसे बर्बाद किया अंग्रेजों ने। एक दूसरा किस्सा सुनाऊं, हिंदुस्तान में बहुत बेशकीमती और बेहतरीन कपड़ा बनाने वाले कारीगर होते थे, और उन कारीगरों के हाथ का बनाया हुआ कपड़ा सारा देश जानता है कि एक छोटे से रिंग में से पूरा थान पार निकलता था। ढाका की मलमल इस देश में बनती थी, ढाका उस जमाने में इसी देश का हिस्सा था। बांग्लादेश तो 72 में बना है, उसके पहले वो थोड़ा पाकिस्तान का हिस्सा था, और 47 के पहले हमारे देश का हिस्सा था। और ये किस्सा मैं आपसे कह रहा हूं 1750 से 1850 के बीच का। इतना बेहतरीन कपड़ा बनाने वाले जो कारीगर होते थे, उनके हाथ का बुना हुआ कपड़ा कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मशीन इतना महीन कपड़ा बुन सकती है क्या। जिस टेक्नोलॉजी, जिस हुनर से वो कपड़ा बनाते थे, और सारी दुनिया में वो कपड़ा बिकता था, मशहूर था हिंदुस्तान का कपड़ा। सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स होती थी हमारे देश को, वो दो ही चीजों से होती थी, या तो हमारे मसाले बिकते थे या हमारा कपड़ा बिकता था। तो कपड़ा बनाने वाले जो कारीगर थे, अंग्रेजों को उनसे परेशानी थी। अंग्रेजों को क्या परेशानी थी? लंकाशायर और मैनचेस्टर का कपड़ा इस देश में बिक नहीं पाता था, क्योंकि हिंदुस्तानी कपड़ा ही इतने क्वालिटी का बनता था, कोई खरीदता ही नहीं था लंकाशायर और मैनचेस्टर के कपड़े को। तो अंग्रेजों ने क्या किया, फ्री ट्रेड के नाम पर
हिंदुस्तान का बेहतरीन कपड़ा बनाने वाले कारीगरों के अंगूठे काटे गए, उनके हाथ काटे गए। सूरत के इलाके में दस्तावेज है मेरे पास, 1 लाख से ज्यादा कारीगरों के अंगूठे कटे हैं अंग्रेजों के जमाने। बिहार में एक इलाका है, उसका नाम है मधुबनी। मधुबनी के इलाके में अंग्रेजों ने करीब 2.5 से 3 लाख कारीगरों के हाथ काटे हैं। और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ये काम करते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रही है। और जब लंकाशायर और मैनचेस्टर का कपड़ा बिकना शुरू हो जाएगा तो हिंदुस्तान की कपड़ा मिलें बंद हो जाएंगी। और यह हिंदुस्तान का कपड़ा उद्योग इस देश का सबसे बड़ा उद्योग है, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग देता है। अगर यह कॉलेप्स हो जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी कॉलेप्स हो जाएगी। ये डिबेट है ब्रिटिश पार्लियामेंट के, और उसके बाद उन्होंने ये कर दिया। बाद में क्या हुआ है कि लंकाशायर और मैनचेस्टर से आने वाले कपड़े पर टैक्स हटाया गया, और हिंदुस्तान के व्यापारियों के ना सिर्फ अंगूठे और हाथ काटे गए हैं, बल्कि हिंदुस्तान के व्यापारी जो कपड़ा बना रहे हैं उन पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर 1840 के बाद अंग्रेजों ने 1000% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया ताकि ये इंडस्ट्री बंद हो जाए। और मैनचेस्टर और लंकाशायर का कपड़ा टैक्स फ्री कर दिया है ताकि इस देश में गांव गांव में गली गली में वही कपड़ा बिकने लगे। बाद में यहां से वो रॉ मटेरियल भी ले जा रहे हैं, और रॉ मटेरियल जो जा रहा है वो कॉटन के रूप में जा रहा है। और अंग्रेजों को रॉ मटेरियल ले जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उस जमाने में, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंग्रेजों ने जानते हैं क्या किया, रेल चलाई है इस देश। मेरे बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस देश में रेल नहीं होती। और रेल अंग्रेजों ने चलाई क्यों है? रेल अंग्रेजों ने चलाई है ताकि हिंदुस्तान के गांव गांव से कॉटन इकट्ठा करके रेल में भर के उसको बंबई तक पहुंचाया जाए, और बंबई से पानी के जहाज में भर के लंदन ले जाया जाए। सबसे पहली रेल चली है इस देश में, यह अहमदाबाद बंबई वाली, यह सबसे पुरानी रेलवे लाइन है इस देश की। एक्सपेरिमेंट के रूप में अंग्रेजों ने जो रेल चलाई है वो सबसे पहले चलाई है बंबई से ठाणा के बीच में, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो फिर उन्होंने सबसे पहली रेल चलाई है अहमदाबाद और बंबई के बीच में। ये जो अहमदाबाद और बंबई का पूरा इलाका है, ये सबसे बेस्ट किस्म के कॉटन प्रोड्यूसर एरियाज रहे हैं। तो यहां से क्या होता है, रेल चल रही है, उसमें कॉटन भर भर के यहां आ रहा है बंबई के बंदरगाह पर, और बंबई के बंदरगाह से वो कॉटन जहाजों में भरकर इंग्लैंड जा रहा है। तो जहाजों में जो कॉटन भरकर इंग्लैंड जाता था तो अंग्रेजों को अपने खाली जहाज भेजने पड़ते थे ताकि यहां का कॉटन भर के लंदन जाए। तो अक्सर क्या होता था कि अंग्रेजों के जो जहाज आते थे खाली या खाली, वो कभी कभी डूब जाया करते थे। अक्सर खाली जहाज जो होता है वो समुद्र में डूबने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। तो अंग्रेजों ने उसकी एक युक्ति निकाली थी कि वहां से जहाज खाली नहीं आना चाहिए। तो अंग्रेज क्या करते थे कि उसमें नमक भर के उस जहाज को हिंदुस्तान में भेजा करते थे, और वो नमक यहां बंबई के बंदरगाह पे निकाल दिया जाता था, और उसमें फिर कॉटन भर के वो जहाज वापस लंदन चला जाता था। नतीजा क्या होने लगा कि अंग्रेजों के जहाज आते थे तो नमक आता था तो नमक का ढेर लग जाता था। तो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉब्लम हुई कि इस नमक का करें क्या, तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि हिंदुस्तान के गांव गांव में ब्रिटेन का नमक बिकवाना शुरू कर दो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने यह किया कि हिंदुस्तान में जो अपना नमक बनता था स्वदेशी, उस पर टैक्स लगा दिया, और ब्रिटेन का जो नमक आता था उसको टैक्स फ्री कर दिया। नतीजा क्या निकला कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का गांव गांव में नमक भी बिकने लगा। और यह बात गांधी जी को बर्दाश्त नहीं थी। गांधी जी की उम्र उस जमाने में, यह 1890 की बात मैं कह रहा हूं, मुश्किल से 20-21 साल की उम्र थी। 20-21 साल की उम्र में वो लंदन में थे, और लंदन की एक वेजिटेरियन काउंसिल के मेंबर थे। तो लंदन की वेजिटेरियन काउंसिल के मेंबर की हैसियत से उन्होंने एक लेख लिखा था 1890 में, उसकी फोटोकॉपी मुझे मिल गई है। उस लेख में गांधी जी लिख रहे हैं कि ये अंग्रेज कितने क्रूर हैं, इन्होंने हिंदुस्तानी नमक पर भी टैक्स लगा दिया। और हिंदुस्तानी नमक पर टैक्स लगा के इन्होंने क्या किया है, गांव गांव में हिंदुस्तानी नमक महंगा हो गया है। और अंग्रेजों की चाल यह है कि उनका जो ब्रिटिश नमक है वो हिंदुस्तान के गांव गांव में बिके। और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के दोनों हाथ में लड्डू हैं, इंडियन नमक पर टैक्स लगा दिया है तो इंडियन नमक महंगा हो गया है, उससे रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ गया अंग्रेजों का, और ब्रिटेन का नमक गांव गांव में सस्ता हो गया है, उसकी बिक्री से मुनाफा भी हो रहा। और तब गांधी जी कह रहे हैं कि ये तो इतना क्रूर कानून है, इसके खिलाफ तो कुछ होना चाहिए। गांधी जी की उम्र उस समय मुश्किल से 20-21 साल की है, लेकिन उस उम्र में उनके दिमाग में ये मंथन चल रहा है कि कुछ होना चाहिए। और वो मंथन चलते चलते 1930 में नमक सत्याग्रह के रूप में प्रकट हुआ,
और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया क्यों? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह इसलिए किया है कि अंग्रेजों का नमक इस देश में बिक रहा है, इंडियन नमक पर टैक्स लगा हुआ है, हिंदुस्तानी लोगों को नमक बनाने से रोका जाता है, अंग्रेजों के लोग इस देश में नमक बनाते हैं और बेचते हैं, इस कानून को मैं तोड़ूंगा और इसके खिलाफ मुझे सत्याग्रह करना है। गांधी जी के साथ इस सत्याग्रह में आने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो गांधी जी कह रहे हैं कि मैं अकेले जाऊंगा। उस जमाने में पंडित मोतीलाल नेहरू गांधी जी को चिढ़ा रहे और क्या कह रहे हैं पंडित मोतीलाल नेहरू कि बापू अगर नमक सत्याग्रह करने से आजादी मिल जाए तो कोई भी आजादी ना ले ले इस देश में। तो मोतीलाल नेहरू को गांधी जी कह रहे हैं कि पंडित तुम एक बार नमक कानून तोड़कर देखो तो तुमको पता चल जाएगा कि आजादी आती है कि नहीं आती है। और इस देश में नमक सत्याग्रह आजादी के प्रतीक के रूप में उभर कर आया और उस गांधी नाम के व्यक्ति ने दांडी के समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर 6 अप्रैल 1930 को कसम खाई है कि आज के बाद इस देश में अंग्रेजों का नमक नहीं बिकेगा, गांव गांव में गली गली में अपना नमक हम बनाएंगे और इसके लिए हमको नमक कानून तोड़ना पड़ेगा तो हम तोड़ेंगे। और उस नमक कानून को तोड़ने में लाखों लाखों लोग जेल गए हैं, पूरे देश में लाखों लाखों लोग अंग्रेजों की लाठीचार्ज से घायल हुए और हजारों लोग उसमें मर गए। बाद में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और वो सारा का सारा वापस किया गया। लेकिन आज मैं आपको दुर्भाग्य से कहूं कि जिस गांधी ने सन 1930 में 6 अप्रैल को एक मुट्ठी नमक हाथ में लेके कसम खाई थी कि इस देश में आज के बाद विदेशी नमक नहीं बिकेगा, उस देश में आजादी के 50 साल के बाद और अन्नपूर्णा। और ये ताली बजाने की बात नहीं, अगर आजादी के पहले अंग्रेजों की सरकार के जमाने में इस देश में अंग्रेजों का नमक बिकता था और उस पर टैक्स लगा के उसको महंगा कर दिया गया था तो आज आजादी के 50 साल के बाद भी वही दृश्य इस देश में हम देख रहे हैं। और क्या दृश्य देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकारों ने विदेशी कंपनियों को नमक बनाने के लिए खुली छूट दे दी है। इस नमक को बनाने में कौन सी हाईटेक है आप जरा मुझे बताइए, नमक को बनाने में कौन सी मशीन लगती है ये मुझे बताइए। सूरज की रोशनी होती है, समुद्र का पानी होता, सूरज की रोशनी और समुद्र के पानी के मिलन से नमक बन जाता है और हिंदुस्तान में हजारों साल से यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, सारी दुनिया के कई देशों में यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। और इस काम के लिए भी अगर विदेशी कंपनियों को बुलाया जाए तो मैं कैसे मान लूं कि यह देश आजाद हो गया है? और कहीं गांधी जी की आत्मा देखती होगी स्वर्ग से तो आठ आठ आंसू रोती होगी कि जिस देश में मैंने नमक सत्याग्रह किया उस विदेशी कंपनी का नमक ना खाया जाए, इसके लिए आज इस देश के लोग बाजार में विदेशी कंपनी का नमक खरीद रहे। शायद हमको मालूम नहीं है हम कितना बड़ा नेशनल क्राइम कर रहे जब ये काम हम कर रहे। और इसलिए मैं मानता नहीं कि यह देश आजाद हो गया। इस देश में गुलामी के पहले की जो व्यवस्थाएं थी, आजादी के पहले की जो व्यवस्थाएं थी, वही व्यवस्थाएं चल रही हैं और अंग्रेजों ने इस तरह से इस देश को खलास किया है। एक दो और उदाहरण दूं आपको कि अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं। 1865 में अंग्रेजों ने इस देश में एक कानून बना दिया, उस कानून का नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और यह कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाया? यह कानून अंग्रेजों ने बनाया कि हिंदुस्तान में जंगल जो होते थे वो ग्राम समाज की संपत्ति होते थे, गांव सभा की संपत्ति होते थे, तो गांव के लोगों का जंगल पर अधिकार होता था। और जब जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे, ग्राम सभा की संपत्ति होते थे, तो जंगलों की रखवाली करने का काम गांव के लोगों का होता था। और गांव के लोग मानते थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को सुरक्षित और संरक्षित रखने के उन्होंने 50 तरीके अपनाए थे। हिंदुस्तान में आज भी एक ऐसी जाति है राजस्थान में जिस जाति का नाम है विश्नोई। और एक बार मैं ये विश्नोई जाति के लोगों के गांव में जाके आया, अलवर जिले के आसपास के इलाके में ये विश्नोई जाति के लोग काफी रहते हैं, तो एक बार मैं उनके गांव में गया था व्याख्यान करने के लिए। तो मैंने उनके गांव के सरपंच और मुखिया से कहा कि आप मुझे अपने गांव का इतिहास बताइए पहले, फिर मैं आपसे कुछ कहूंगा, पहले तो मैं आपसे सुनने आया। तो गांव के मुखिया ने बताया कि राजीव भाई सन 1865 में अंग्रेज सरकार ने हमारे विश्नोई जाति के हजारों लोगों का कत्ल किया। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बताया कि उसका मतलब यह था कि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, उस कानून का नाम था फॉरेस्ट एक्ट। तो मेरे समझ में आ गया कि अच्छा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, हां वही कानून।
तो मैंने कहा उसमें तो ये कर दिया था अंग्रेजों ने कि जो जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे उन जंगलों को सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया था, एक ही कानून से एक ही झटके में। तो होता क्या था कि सरकार की संपत्ति घोषित होने से पहले अंग्रेज जब जंगलों को काटा करते थे तो अक्सर आदिवासियों के साथ उनके झगड़े होते थे। आदिवासी पेड़ कटने नहीं देते थे, अंग्रेज पेड़ काटते थे। और उस विश्नोई गांव के लोगों ने मुझे बताया कि जब अंग्रेज लोग हमारे यहां पेड़ काटने के लिए आते थे तो हमारी महिलाएं पेड़ पकड़ के खड़ी हो जाती थी, पहले महिला का गर्दन कटती थी उसके बाद पेड़ कटता था। हमारे नौजवान पेड़ पकड़ के खड़े हो जाते थे, पहले नौजवानों का शरीर कटता था उसके बाद पेड़ कटता था। और हजारों हजारों पेड़ को बचाने के लिए इस तरह से हमारे जाति के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। और ये सब कुछ अंग्रेजों ने किया था 1865 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के कानून के आधार पर। और 1865 में जैसे ही वो कानून पारित हो गया तो वैसे ही अंग्रेजों ने क्या घोषित कर दिया कि अब पूरे हिंदुस्तान के जो जंगल हैं वो अंग्रेजी सरकार की संपत्ति हैं। और जब वो सरकार की संपत्ति घोषित हो गए तो सरकार जैसे चाहे उनका इस्तेमाल करे। गांव समाज के लोगों को कोई हक ही नहीं है, उन्होंने हजारों हजारों साल से जंगलों को लगाया है, उन्हीं लोगों का जंगलों पर कोई हक नहीं है जिन्होंने जंगल लगाए हैं, जिन्होंने जंगल खड़े किए हैं। और जिनको जंगलों से कुछ लेना देना नहीं और जो जानते नहीं कि जंगल कैसे लगाए जाते हैं उनको पेड़ काटने का अधिकार मिल गया क्योंकि एक्ट बना दिया अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों के काम करने का तरीका क्या था कि जब किसी को मारना हो, खलास करना हो, बर्बाद करना हो तो उसके लिए कानून बना दो। तो वो क्या कहते थे, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, माने आपकी जेब कट रही है, आपकी बर्बादी हो रही है और अंग्रेजों के लिए वो कानून का पालन हो रहा है। तो 1865 में उन्होंने कानून बना दिया। अब उस कानून के पालन करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के हजारों हजारों आदिवासियों को मार दिया क्योंकि वो जंगल बचाने की लड़ाई लड़ते थे। उस कानून में एक प्रोविजन है, प्रोविजन क्या है, 1865 का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी आदिवासी या कोई भी हिंदुस्तानी व्यक्ति जंगल के पेड़ नहीं काट सकता और जंगल से लकड़ी भी नहीं ला सकता, भले ही अपने निजी इस्तेमाल के लिए क्यों ना हो। उसके उल्टे तरफ अगर अंग्रेजी सरकार चाहे और अंग्रेजों के ठेकेदार चाहें तो करोड़ों पेड़ कट सकते हैं। तो अंग्रेजी सरकार को और अंग्रेजी ठेकेदारों को तो लाइसेंस मिल गया पेड़ काटने का, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जो जंगलों में रहते थे अगर वो पेड़ काट कर लकड़ी ले आए अपना खाना बनाने के लिए तो उन पर पाबंदी लगा दी उन्होंने कानून से। और अगर कोई भी व्यक्ति जंगल से लकड़ी लाया है खाना बनाने के लिए तो उसको जेल हो जाएगी। और अंग्रेजों ने इसी काम के लिए एक पोस्ट बनाई जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, DFO। और यह पोस्ट बनी 1865 में। और इस पोस्ट के आदमी का काम क्या था, यही कि कोई भी हिंदुस्तानी अगर जंगल से लकड़ी काट लाए तो उसको सजा दिलवाना, उसके ऊपर केस बनाना, उसको मारना, उसको पीटना। और दूसरी तरफ अंग्रेजों के ठेकेदार और उनकी कंपनियां पेड़ काटें तो उनको लाइसेंस जारी करना। तो 1865 में यह कानून अंग्रेजों ने बनाया, ठीक है। 1947 में अंग्रेज चले गए लेकिन कानून अभी भी वही है। और आज भी इस देश में 1865 का वही इंडियन फॉरेस्ट एक्ट चल रहा है जो अंग्रेज बनाकर गए थे। और उसके प्रोविजन क्या है, उसका वो प्रोविजन जिसमें आप पेड़ नहीं काट सकते लेकिन अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजों की कंपनियां पेड़ काट सकती हैं, वो प्रोविजन आज भी वैसे का वैसा ही है। अगर आपकी सोसाइटी में कोई पेड़ लगा हो और वो पेड़ आपकी सोसाइटी की दीवार गिराने वाला हो, आप उस पेड़ को काट नहीं सकते। और अगर आपने वो पेड़ काट दिया तो आपकी शिकायत कर दे कोई आदमी DFO से तो आपके ऊपर केस चलेगा। ये कानून आज भी है। और दूसरी तरफ कुछ विदेशी कंपनियां हैं इस देश में जो हर साल करोड़ों करोड़ों पेड़ काटती हैं और इस देश का सत्यानाश कर रही हैं, उनको लाइसेंस मिला हुआ है। जैसे एक कंपनी है उसका नाम है ITC, इंडियन टोबैको कंपनी। नाम से ऐसा लगता है जैसे ये हिंदुस्तानी, लेकिन मूलतः ये अमरीका और ब्रिटेन के पैसे से चलने वाली कंपनी। ये कंपनी क्या करती है, सिगरेट बनाती है। और एक साल में इस कंपनी के हिंदुस्तान में 90 अरब सिगरेट बनते हैं। और वो 90 अरब सिगरेट बनाने के लिए इस कंपनी को कागज की जरूरत होती है क्योंकि सिगरेट की जो तंबाकू होती है वो तो खेतों में पैदा हो जाती है लेकिन तंबाकू के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है वो तो बनाना पड़ता है। और वो कागज लपेटकर जो सिगरेट की स्टिक बन जाती है उसको पैकेट के अंदर बंद करना पड़ता है, तो पैकेट के लिए भी कागज बनाना पड़ता है।
फिर उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है कंपनी को, तो उसके लिए पोस्टर चाहिए, तो उसका भी कागज बनाना पड़ता है। तो यह कंपनी ऑन एन एवरेज 500 सिगरेट बनाने के लिए एक पेड़ काटती है, और हर साल यह कंपनी 1400 करोड़ पेड़ काट देती है, उसको लाइसेंस मिला हुआ है। आप अगर एक पेड़ काटें तो आपको जेल हो जाएगी। यह कानून किसका है? यह कानून अंग्रेजों के जमाने का। क्यों चल रहा है, इसका जवाब कौन देगा? 1947 में हम आजाद हो गए थे, यह कानून खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों चल रहा है अभी भी यह कानून आजादी के 50 साल बाद तक? और अंग्रेजों ने जो जंगल गांव समाज की संपत्ति थे वो छीनकर सरकार की संपत्ति घोषित कर दिए। 1947 में जो सरकार आई थी उसको सबसे पहला काम यह करना चाहिए था कि जंगलों को वापस गांव समाज की संपत्ति घोषित करना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं हुआ आज तक। तो कैसे मैं मानूं कि यह देश आजाद हो गया? 1894 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, उसका नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट। और यह लैंड एक्विजिशन एक्ट क्या था? गांव गांव के लोगों की जमीन हड़पने के लिए अंग्रेजों को एक कानून की जरूरत थी, क्योंकि अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर जो होते थे वो गांव गांव में जाते थे, लोगों को मारते थे, पीटते थे, उनकी जमीन हड़प लेते थे। और ना सिर्फ जमीन हड़पते थे बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े राज्य भी अंग्रेजों ने हड़प लिए थे। यहां के जो कई राजा थे उनकी स्टेट हड़प ली थी अंग्रेजों ने। और ऐसा एक किस्सा तो आप सबको मालूम होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्टेट को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्टेट को जब अंग्रेजों ने हड़प लिया था तो उसी के लिए झांसी की रानी ने युद्ध किया था, बाद में झांसी की रानी की हत्या कराई थी। इसी देश के कुछ गद्दारों ने मिलकर झांसी की रानी को मरवाया था अंग्रेजों के साथ, उसको धोखे से। और वो गद्दार खानदान इस देश में अभी भी मौजूद है। तो झांसी की रानी की हत्या हुई थी, मामला क्या था कि स्टेट थी झांसी की, उसको हड़प लिया था। तो अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, उसका नाम था डलहौजी। डलहौजी अक्सर यह कहा करता था कि ये हमको हमेशा स्टेट हड़पनी पड़ती है, गांव गांव की संपत्ति हमको हड़पनी पड़ती है, और इसके लिए हमको बड़ी हिंसा करनी पड़ती है और अंग्रेजों को बड़ी मुश्किल भी सहन करनी पड़ती है, क्यों ना इसको हड़पने का एक कानून बना दिया जाए। तो उन्होंने संपत्ति गांव की हड़पने का कानून बना दिया, जिसका नाम हो गया लैंड एक्विजिशन एक्ट। और वो लैंड एक्विजिशन एक्ट आज से 103 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया, ताकि गांव गांव की जमीन को छीना जाए, किसानों की जमीन को छीन लिया जाए, और वो जमीन छीनकर अंग्रेजी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचे या किसी विदेशी कंपनी को बेचे। ये धंधा करती थी उस जमाने की अंग्रेज सरकार। और आपको मैं बताऊं कि दुर्भाग्य आज हमारा ये है कि वो 103 साल पुराना कानून आज भी इस देश में चल रहा है। बस इतना फर्क हुआ है कि उस जमाने में अंग्रेज सरकार इस देश के गांव की जमीन छीनकर विदेशी कंपनियों को बेचती थी, अब हमारी सरकारें गांव के किसानों की जमीनों को छीनकर विदेशी कंपनियों को बेच रही है। इतना ही फर्क है। पहले जो धंधा अंग्रेज करते थे अब वही धंधा भारत की सरकारें कर रही हैं, तमाम प्रदेशों की सरकारें कर रही हैं। और ये सरकारें तर्क क्या देती हैं कि देश के प्रगति के लिए, देश के भले के लिए गांव की जमीन छीनकर विदेशी कंपनियों को देना बहुत जरूरी है। और उसी के आधार पर क्या हुआ है, पिछले 5 वर्षों में सन 1991 से लेकर 1996 के बीच में महाराष्ट्र की हजारों हेक्टेयर जमीन विदेशी कंपनियों को बेची गई है। हजारों हेक्टेयर जमीन गांव के लोगों से छीनकर, उनकी पिटाई करके, उनको मारकर, उनको डरा के, उनको धमका के उनकी जमीनें छीनी गई हैं और विदेशी कंपनियों को दी गई। गुजरात में पिछले 5 साल में हजारों हेक्टेयर जमीन किसानों की छीनकर विदेशी कंपनियों को बेची गई है। और हिंदुस्तान का कोई एक प्रदेश ऐसा नहीं है, कर्नाटक में हजारों हेक्टेयर के जंगल कटवाए गए हैं ताकि विदेशी कंपनियों के कारखाने वहां लग सके। कोजेंट्रिक्स की बिजली की जो परियोजना आ रही है कर्नाटक में, वो इसी आधार पर आ रही है कि दक्षिण के वो जो पश्चिम घाट है वहां का, उसके जो बेहतरीन जंगल है उनको कटवाया जाए और विदेशी कंपनी की परियोजना चले वहां पर। यह धंधा तो अंग्रेज सरकार करती थी इस देश में। अगर वही धंधा आजादी के 50 साल के बाद हमारी सरकार कर रही है तो इसको मैं अंग्रेजी सरकार कहूं कि हिंदुस्तानी सरकार कहूं? और मैं कैसे मान लूं कि यह देश आजाद है?
जिस तरह से अंग्रेज जमीन छीना करते थे गांव गांव की, वैसे ही जमीन अगर आज छीन रही है और दी जा रही है विदेशी कंपनियों को, तो कैसे माने कि यह देश आजाद हो गया? काम तो वही चल रहे हैं, देश तो वैसे ही चल रहा, सरकारें तो वैसे ही काम करती हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में करती थी। 1860 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, उसका नाम था इंडियन पुलिस एक्ट। और यह जो 1860 का इंडियन पुलिस एक्ट बनाया, अंग्रेजों ने क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि 1857 में इस देश में क्रांति हो गई थी, विद्रोह हो गया था, बगावत हो गई थी सारे देश में। मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी बैरकपुर की छावनी में और सारे देश में आग लग गई थी। गांव गांव में नौजवान खड़े होने लगे थे, युवकों के मंडल आ गए थे और वो युवकों के मंडल फिर अंग्रेजी सरकार के लिए खतरा पैदा करते थे। तो अंग्रेजी सरकार ने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों को पीटने के लिए, मारने के लिए, उन पर गोली चलाने के लिए एक स्पेशल कानून बनाया जिसका नाम था इंडियन पुलिस एक्ट। और उस पुलिस एक्ट में उन्होंने क्या किया कि हर अंग्रेजी सिपाही के हाथ में एक डंडा पकड़ा दिया कि तुम हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज कर सकते हो। और कानून कैसे बनाया? कानून ऐसे बनाया कि हर अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर को, हर अंग्रेजी सिपाही को हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करने का अधिकार होता था, जिसको तकनीकी भाषा में मैं कहता हूं कि हर अंग्रेज ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस था, लेकिन पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं था। और जैसे अंग्रेज सिपाही किसी को पीट रहा है, बदले में अगर वो व्यक्ति जो पीट रहा है वो अंग्रेजी सिपाही को पीट दे, तो केस उस व्यक्ति के ऊपर चलता था जिसने अंग्रेज सिपाही को पीटा, ना कि अंग्रेज सिपाही के ऊपर जो पीट रहा है। इसी को तकनीकी भाषा में कहते हैं कि हर अंग्रेज को राइट टू ऑफेंस था, लेकिन पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं था। और इस काम के लिए अंग्रेजों ने हर सिपाही के हाथ में डंडा पकड़ा दिया और उस डंडे के बाद इस देश में दनादन लाठी चार्ज होना शुरू हो गया। और जो कानून अंग्रेजों ने बनाया था 1860 में, वही कानून आज भी चल रहा है इस देश में। और आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हिंदुस्तान का हर कांस्टेबल हाथ में डंडा लिए क्यों घूमता है। ये हिंदुस्तान के हर कांस्टेबल के हाथ में डंडा किसने दिया? कानून कौन सा है जो हाथ में वो डंडा लेके घूमता? वो कानून अंग्रेजों के जमाने का है, 1860 का। और वो डंडा क्यों दिया? ताकि हिंदुस्तानी लोगों को पीटो, अपने ही भाइयों को पीटो। हमारे बहुत सारे लोग अंग्रेजी सरकार में नौकरी करते थे, अंग्रेजी पुलिस में नौकरी करते थे, तो हिंदुस्तानी अधिकारियों से हिंदुस्तानियों को पिटवाते थे अंग्रेज। अंग्रेज ऑफिसर बाद में आते थे, पहले हिंदुस्तानी भाई हिंदुस्तानी भाइयों को पीटते थे। और यह दृश्य मैं मान सकता हूं कि 1860 में चलता होगा जब यह देश गुलाम होगा अंग्रेजों का। आज आजादी के 50 साल के बाद भी अगर वही दृश्य हमको देखने को मिले, तो कैसे मैं मानूं कि यह देश आजाद हो गया? और इसी 1860 के इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर, क्योंकि हर अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस होता था और मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं होता था, इसी आधार पर गोलीकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग में जो गोलीकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसमें हुआ क्या था? 20,000 क्रांतिकारियों की एक मीटिंग चल रही थी शांतिपूर्वक, जिसमें कहीं कोई उत्तेजना नहीं थी और एक भी क्रांतिकारी के हाथ में ना लाठी थी, ना डंडा था, ना बंदूक थी, ना पिस्तौल थी, कुछ भी नहीं था। और उन क्रांतिकारियों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया डायर ने। और डायर ने जिस तरह से गोली चलाई, वो जलियांवाला बाग जिसने देखा हो, मैं तो वहां 3 बार गया हूं, उस में घुसने के लिए बहुत छोटा सा रास्ता है, मुश्किल से 3.5 फीट का रास्ता, बहुत छोटा। उस रास्ते पर डायर ने तोप ले जाके लगा दी कि कोई भाग ना सके, और चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, बड़ी बाउंड्री है उसकी। तो 20,000 लोगों की मीटिंग चल रही थी, डायर अंदर घुसा, फौज उसकी बिखर गई और बिना चेतावनी दिए गोली चला दी। 18 मिनट तक बराबर फायरिंग होती रही और 18 मिनट की फायरिंग में 2,000 लोग मर गए वहीं पर। और 2,000 लोग मर गए, बाद में डायर के ऊपर जब केस चला था तो उसने बयान दिया था कि मेरे पास गोलियां खत्म हो गई थी, अगर होती तो और आधा घंटे चलाता। तो जब वो गोलियां चली, 2,000 लोग मर गए और बाकी लोग जो मरे वो भगदड़ से मरे, जो बच गए वो कुएं में कूदे जान बचाने के लिए, और कुएं में कूदे तो वहां मरे। और उन गोलियों से मरने वाले लोगों के जो दृश्य होते थे, इतने भीवत्स तरह से लोगों को मारा है उन्होंने, इतनी निरंश नृशंसता से, इतने क्रूर कृत्यों से उन्होंने मारा लोगों को,
बाद में डायर के ऊपर जब केस चला तो डायर बाइज्जत बरी हो गया, उसको फांसी की सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जज ने कहा कि 1860 का जो पुलिस एक्ट है वो डायर को गोली चलाने का अधिकार देता है, मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं देता, इसलिए डायर का कोई कसूर नहीं। और डायर को ना सिर्फ छोड़ दिया गया बल्कि उसको लंदन में बड़े भारी सम्मान के साथ एक उपाधि दी गई थी।